हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लाइट वेट में मंगलसूत्र के डिज़ाइन। मंगलसूत्र का पेंडेंट जो कि कास्टिंग में होगा, इसको कास्टिंग डिज़ाइन कहते हैं। बहुत ही कम वजन में, 2 से 3 ग्राम के वजन में आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए, पहला डिज़ाइन आपके सामने है। कास्टिंग का पीस है, इसमें कोई स्टोन्स का काम नहीं है, कोई नगबक का काम नहीं है इसमें, कोई मीने का काम नहीं है, ना ही कोई कलर का काम है। और नीचे का पॉइंट देखो, हल्का सा एक छोटा सा लटकन लगा हुआ है इसमें, जो कि इसके खूबसूरती को बढ़ाता है। 2 ग्राम 290 मिलीग्राम का वज़न है, यानी कि 2 ग्राम 3 रत्ती का वज़न है, 2.5 ग्राम से भी कम है, 1/4 से भी कम वज़न में बना हुआ है ये। और फैलाव भी देखो, काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, यानी कि बहुत स्मॉल सा पीस है, सिंगल कुंडे में है, मतलब डबल कुंडे में मंगलसूत्र है। और ऊपर का आप फैलाव देखो, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको। और ये देखिए, ये लड़ी ये गोल्ड का नहीं है, मैं आपको बताऊं, लड़ी तो मैंने वैसे टेम्परेरी लगा रखी है इसमें दिखाने के लिए आपको। तो लड़ी आमतौर पे आपको वैसे भी मार्केट में मिल जाती है, 150 से 200 की लड़ी मिल जाती है, तो इजीली आप इसको वेयर कर सकते हो। तो मैं आपको पेंडेंट दिखाना चाहता हूँ। ये पेंडेंट का वज़न है, इस ये 15,000 के रेट में, जो ये मैंने आपको पहले दिखाया, ये 15,000 के रेट में था। सेकेंड पीस दिखाता हूँ, बहुत प्यारा पीस है, 3.25 ग्राम के वज़न में है, 3 ग्राम 280 मिलीग्राम का वज़न है, यानी कि 3 ग्राम से ज़रा सा ऊपर है। और ये देखिए, इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, सोबर और ग्रोजिस लुक में आपको डिज़ाइन मिलेगा। ऊपर ये देखिए, नेट का काम इसमें बना हुआ है, और नीचे फ्लावर का हल्का सा एक पॉइंट बना हुआ है लटकन का, जो कि बहुत अच्छा लगता है ये। ज़्यादा इसमें लटकन का काम नहीं है, ना ही इसमें घुंघरू का, चैन का, लड़ी का काम है। तो जो बहनें डेली वेयर करना चाहती हैं, डेली में उनको पहनने के लिए लाइट वेट का चाहिए, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकता है ये। ये देखिए, इसका जो प्राइस होगा 20,000 रुपये के रेट में होगा। हमारी आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो आपके लिए फिर मैं लेके आऊँगा, जल्द से जल्द आऊँगा, इसमें कोई नए ज्वेलरी का डिज़ाइन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।